तीन तारीख को हम लोगों ने अनशन स्टार्ट किया था और जब अनशन स्टार्ट किया तो बहुत सारे मीडिया कर्मी आए। रात को लगभग 10 बजे के आसपास एक लड़का आया और मुझसे काफी इन्फॉर्मेशन पूछने लगा। हालांकि मैं पहले तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन बाद में पूछा आपका परिचय, तो लड़का बताया मैं भाजपा का गोपीगंज का नगर मंत्री। मैंने कहा दैट्स ओके। थोड़े देर बाद पुलिस आती है और पुलिस हम लोगों से धौंस जमा के बात करती है, हम लोगों का डिटेल लेती है। लगभग 10:30 की बात है, 10:30 से 11 के आसपास फिर पुलिस चली जाती है। इसके बाद रात को 1 बजे पुलिस का कम से कम 5 से 6 वैन आता है और सभी गाड़ी में 5 पुलिस 6 पुलिस भरे रहते हैं और हम लोगों को अनशन स्थान से उठाया जाता है। 3-4 पुलिस वाले ऐसे उठाते हैं जैसे मान लीजिए किसी आतंकवादी को उठा रहे हो, और उठा के गाड़ी में रखा जाता है। और हम लोग का जो टेंट था, टेंट को भी सारे पुलिस वाले तोड़ देते हैं और फाड़ देते हैं, और जो रॉड वगैरह रहता है उसको ट्रैक्टर पे लेके वे लोग पुलिस चौकी लेके या पुलिस थाने लेके चले जाते हैं। हम लोग जब फिर पुलिस थाने पहुंचे गोपीगंज थाना, तो बहुत सारे वहां पे ड्रेस में पुलिस थे, लेकिन एक पुलिस जो केवल टी शर्ट पहना हुआ था वो बहुत ही रौब जमा के बात कर रहा था, हर तरह से प्रयास कर रहा था मुझे कि डरा दिया जाए। आवाज से छू नहीं रहा था, लेकिन आवाज से डराने का हर प्रयास किया, लेकिन मैं भी रिजिड रहा। मैंने कहा कि जब मरना है अनशन कर या मरूंगा ऐसे भी, मैं डरने वालों में से नहीं। इस बात को सुनते ही गाड़ी पे बैठा के हम लोगों को रात को 1:30 बजे के आसपास उंच थाने ले जाया गया। उस थाने जब हम लोग रात को 1:40 में पहुंचे, 1:40 में जहां कोतवाल बैठते हैं उसी कमरे में हम लोगों को ले जाके रखा गया था। उसके बाद सुबह में वेट कर रहे थे हम लोग, अब कुछ होगा, नहीं हुआ तो हम लोग प्रेशर देने के बाद गोपीगंज थाना 11:30 बजे आता है उस थाने के पास। हम लोगों को 2 वैन में बैठाता है, आगे जो है पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, और हम लोगों के साथ भी पुलिस कर्मी बैठे रहते हैं। हम लोगों को बड़े गांव तक लाया जाता है, बड़े गांव से फिर नहर की तरफ मोड़ दिया गया गाड़ी। बहुत घुमा के ज्ञानपुर लाए, हॉस्पिटल में ले गए, कुछ देर वहां खड़े रखे, फिर वहां से हम लोगों को मुख्यालय ले गए। वहां पे मजिस्ट्रेट से बात हुआ, मैंने कहा कि आप लोगों की बातों पे जो भी परिवार का डिमांड रहा है उस पे हम लोग एक्शन ले रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम, समय लगेगा। तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, अभी तो हम लोगों ने स्टेप बैक लिया है, लेकिन फ्यूचर में अगर परिवार के डिमांड को नहीं माना गया तो मैं परिवार के सदस्य से भी मिल के आ रहा हूं, अगर नहीं माना गया तो परिवार के सदस्य के साथ हम लोग धरने में फिर से बैठेंगे और जो होगा उसके बाद समय बताएगा। मजिस्ट्रेट से जब हम मिले उसके बाद हमें 2 पेपर पे साइन करवाने के लिए बोला गया, साइन करिए। तो मैं जब साइन किया, पहला पेपर में शांति भंग करने का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था, दूसरा पेपर में जो लिखा हुआ था पढ़ते ही उसमें लिखा हुआ था कि जब पुलिस घटना स्थल पे पहुंची तो ये लोग हड़कंप करने लगे, जबकि हम लोग सोए थे और हमें बहुत बुरी तरह से उठाया गया था। तो मैंने स्पष्ट कहा वहां पे कि प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप एक गलत काम नहीं कर सकते, उसका फायदा आप नहीं ले सकते। तब हमें लगा गया देने वास्ता कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और ये मेंटेन करना है, तो ये भी एक चीज मुझे बहुत गलत लगा। जैसे ही हम लोगों को वैन में बैठाया वैसे ही हम लोगों से मोबाइल ले लिया गया, और मोबाइल लेने के बाद हम लोगों के पास कोई मोबाइल नहीं था और हम लोग उस थाने में वेट करते करते पुलिस वालों से बोल रहे हैं कि बात कर लेने दो ताकि लोगों को बता सके कि हम लोग स्थिर हैं, अच्छे से हैं, लोग परेशान हो रहे होंगे। उन लोगों ने एक न सुनी, हम लोगों को मोबाइल कोई दे नहीं रहा था, और जब मोबाइल दिया नहीं उसी का नतीजा हुआ कि एक लंबे समय का गैप हो गया, जिसके वजह से हमारे परिचित के कई लोग जाके गोपीगंज थाने में FIR लिखवाने की कोशिश किए, लेकिन पुलिस FIR भी नहीं लिखा उनसे। और मैं फिर से इन प्रशासनिक अधिकारी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जनता के टैक्स के पैसे से ही आपकी वर्दी है, आपकी गाड़ी है, आपकी सैलरी है, और आप लोग बने हैं जनता को सेवा देने के लिए। तो अगर कोई थाने में जाता है तो उसको आप मार के थाने के अंदर नहीं कर सकते। उन्नाव में भी आप देखेंगे तो पुलिस मारा और वो लड़की के पिताजी मर गए। यहाँ भी थाने में
व्यक्ति मर जाता है। तो आप लोग जनता की सेवा के लिए हैं और आप लोग विनम्रता पूर्वक सेवा करिए। आप लोगों को कोई हक नहीं दिया है जनता से इस तरह का व्यवहार करने का।